लातूर लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बड़े योद्धा थे। बहुत कम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि वे एक महान प्रशासक, जमीनी जरूरतों को देखते हुए काम करने वाले एक महान नीति निर्माता भी थे। अपने समय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की धरती पर पानी के लिए जो काम किया, पानी का जो प्रबंधन किया था, उससे महाराष्ट्र और देश को काफी कुछ सीखने को मिला। इतने सालों पहले किया था, शासन प्रशासन में ऐसी ही सोच आने वाले भविष्य को सुरक्षित करती है। साथियों, दुनिया में चर्चा है कि आने वाले समय में अगर युद्ध होंगे तो पानी के लिए युद्ध होने वाले हैं। इस गंभीर स्थिति में क्या हिंदुस्तान सोता रहेगा? हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? एक दीर्घदृष्टा पार्टी, एक दीर्घदृष्टा सरकार का काम यही है कि वो भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए अभी फैसले ले। पानी की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अगली सरकार में जल शक्ति के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने जा रहे हैं, ये हमने घोषणा की। इसके तहत देश भर में नदियों को जोड़ने का काम होगा। तालाब, झीलों, सिंचाई व्यवस्था, जल संचय, जल संरक्षण, हर घर तक पानी पहुंचाना, हर खेत तक पानी पहुंचाना, इस मिशन मोड पर हम काम करने वाले हैं। लातूर के लिए पानी की ट्रेन पहुंची, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। जल युक्त शिवार का लाभ भी देखा है। अब मां तुलजा भवानी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र में पानी की दिक्कत कम हो, इसके लिए हम अपने प्रयास और बढ़ाएंगे। साथियों, देश में रोजगार और स्वरोजगार के लिए मेक इन इंडिया और मुद्रा योजना के माध्यम से एक व्यापक काम हमने किया है। देश भर में वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड ट्रेन चले, इसका संकल्प हमने लिया है। बहुत जल्द मां तुलजा भवानी के दर्शन के लिए भी श्रद्धालु से ट्रेन से पहुंच पाएंगे। साथियों, लातूर की रेल कोच फैक्ट्री आपको समर्पित हो चुकी है। ये फैक्ट्री नए भारत की रफ्तार में अहम भूमिका निभाने वाली है। देश के अनेक शहरों में जो मेट्रो ट्रेन का विस्तार हो रहा है, उनके डिब्बे भी यही लातूर में बनने वाले हैं। इससे यहां पर रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, आज मैं देश के उन नौजवान वोटरों से भी आग्रह करना चाहता हूं जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालेंगे, और ये बड़े गर्व की बात है, ये वो वोटर है जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ है। ये वो वोटर है जो 21वीं सदी में पहली बार देश की सरकार चुनने जा रहे हैं, लोकसभा के लिए वोट देने जा रहे हैं। और इसलिए 21वीं सदी के ये महत्वपूर्ण मतदाता जो पहली बार के वोटर है, मैं आपके लिए कुछ बातें करना चाहता हूं। देश के फर्स्ट टाइमर वोटरों के साथ मैं आज छत्रपति शिवाजी महाराज की पुण्य भूमि की धरती से बात करना चाहता हूं, तुलजा भवानी की धरती से बात करना चाहता हूं। मेरे फर्स्ट टाइम वोटर्स, आपने देखा होगा कि हमारे यहां कई परिवारों में देखने को मिलता है कि किसी भी बेटे या बेटी को कहीं काम मिल जाता है, नौकरी मिल जाती है, कमाई हो जाती है,
और फर्स्ट टाइम जब उसको सैलरी मिलती है, अगर दुकान करता है तो पहली बार जो कमाई होती है, छोटा मोटा कोई भी कारोबार होता है, पहली जब कमाई होती है, हमारे देश में ज्यादातर बेटे बेटी क्या करते हैं, पहली कमाई खुद के लिए नहीं रखते हैं, मन में सोचते हैं कि जाकर के मां के चरणों में रखूंगा, या जाकर के अपनी कोई आराध्य देवी होगी उस मंदिर में जाकर के चढ़ा दूंगा, या अपनी छोटी बहन होगी तो पहली कमाई उसको दे दूंगा। ऐसा आज भी होता है कि नहीं होता है? ये हम पहली कमाई दे देते हैं कि नहीं देते हैं? ये देश की परंपरा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे देश के फर्स्ट टाइम वोटर को, आप भी संकल्प कीजिए कि पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, आपके जीवन पर याद रहेगा कि पहला वोट कब डाला, कहां डाला, कौन सा चुनाव था, किसको डाला, ये जीवन पर याद रहने वाला है। हर किसी को पहली घटना याद रहती है। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, क्या गरीब को पक्का घर मिले इसके लिए आपका वोट समर्पित हो सकता है कि नहीं सकता है? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, किसान के खेत में पानी पहुंचे इसके लिए आपका पहला वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर को कहना चाहता हूं, गरीब से गरीब को आरोग्य की सेवा मिले, आयुष्मान भारत योजना सफल हो, इसके लिए आपका वोट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मेरे नए वोटर, मेरे फर्स्ट टाइम वोटर, आप तय कीजिए कि आप इस बार वोट सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। आप 18 साल के हो गए, देश ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप 18 साल के हुए, आपको समाज ने बहुत कुछ दिया है। 18 साल की जिंदगी में आपके परिवार के साथ साथ किसी शिक्षक ने आपको पढ़ाया होगा, बीमार हुए होंगे तो किसी ने आपकी बीमारी के उपचार किया होगा, आपको आर्थिक मुसीबत होगी तो किसी ने आपको आर्थिक मदद की होगी। इस उम्र को बनने में, इस जीवन को बनने में समाज ने आपको कुछ न कुछ दिया है, और इसलिए पहला वोट किसी भी गलती के बिना सिर्फ और सिर्फ देश के लिए देंगे। देश को मजबूत बनाने के लिए, देश को मजबूत बनाने के लिए, एक मजबूत सरकार बनाने के लिए दीजिए। और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला। भाई और बहनों, एक तरफ एनडीए महायुति की सरकार है जो पूरी तरह से विकास के लिए समर्पित है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस एनसीपी की महामिलावट है, जहां अपना और अपने परिवार का स्वार्थ राष्ट्रहित पर भारी पड़ रहा है। इतनी गुटबाजी है कि समझ ही नहीं आ रहा है कौन किसके साथ है। क्या गुटबाजी में फंसे लोग आपका भला कर पाएंगे? आपका भला कर पाएंगे? जो अपने परिवार की सोचते हैं वो आपका भला कर पाएंगे? ये कंफ्यूजन या विश्वास सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। कांग्रेस सिर्फ एक ही परिवार के विकास में लगी है, और इसलिए राष्ट्र के विकास की कोई परवाह नहीं है। और जब मैं परिवारवाद की आलोचना करता हूं, अगर इन दलों को सीखना है तो बाला साहब ठाकरे से सीखिए,
बाला साहब चाहते तो खुद भी मुख्यमंत्री बन सकते थे, बाला साहब चाहते तो उद्धव ठाकरे जी को भी मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने वो रास्ता नहीं चुना। देश में परिवारवादी पार्टियां अगर सीखना है तो बाला साहब ठाकरे से सीखो। अरे कांग्रेस में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, आपने देखा होगा कल परसों कैसे कांग्रेस के करीबियों के, कांग्रेस के दरबारियों के घर से बक्सों में नोटे निकली है। नोटे देखा कि नहीं देखा? टीवी पे देखा कि नहीं देखा? नोट से वोट खरीदने का ये पाप इनकी राजनीतिक संस्कृति रही है। अब बताइए भैया, वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं चौकीदार चोर है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? लेकिन नोटे कहां से निकलती है? नोटों के बंडल कहां से निकल रहे हैं? असली चोर कौन है? असली चोर कौन है? असली चोर कौन है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार का भय किसको है? चौकीदार से कौन कांप रहा है? इतने नोटों के बंडल निकल रहे हैं तो चौकीदार को गाली नहीं देंगे तो क्या देंगे? सोचिए, मध्य प्रदेश में सरकार बनी, अभी 6 महीने नहीं हुए हैं, लेकिन इनकी मास्टरी देखिए, इनकी कलाकारी देखिए, अरबों खरबों रुपये की लूट के सबूत मिल चुके हैं भाइयों, सबूत मिल चुके हैं। बड़े बड़े लोगों के बंगलों से कैसे करोड़ों का काला धन इधर से उधर हुआ, इसके सबूत आज सामने खड़े हैं। मारे डर के कुछ राग दरबारी कल तो किसी के यहां से रुपये पड़े तो कांग्रेस के इस परिवार के खासम खास वहां पहुंच गए। पैसे जब तक न हो और सरकार वापिस चली जाए दबाव डालने लगे, दादागिरी करने लगे, लेकिन कैमरा वाले जब फोटो निकालने लगे तो मुंह पे रुमाल बांध करके भाग गए। साथियों, भ्रष्टाचारी वो काम है जो कांग्रेस सत्ता में आने के बाद पूरी ईमानदारी से भ्रष्टाचार का काम करती है। वो कभी अपने डकोसला पत्र में भ्रष्टाचार की बात नहीं लिखती, लेकिन सरकार में आने के बाद सबसे पहले ये रुपये मारने का ही काम करती है। भाइयों और बहनों, आप आश्वस्त रहिए, भ्रष्टाचारियों से आतंकवादियों से देश को सुरक्षा देने के संकल्प के साथ आपका ये चौकीदार, भाजपा शिवसेना की ये महायुति पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है। आपका एक एक वोट सीधा मोदी को जाएगा, चौकीदार को मजबूत करेगा। और भाइयों बहनों, मैं एक छोटी सी कथा सुनाना चाहता हूं। गर्मी बहुत है, आप हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं तो मेरा भी मन कर रहा है बोलता रहूं। इतना प्यार, इतना आशीर्वाद ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों को समझ नहीं आता है जी। मैं एक कांग्रेस के ढकोसला पत्र के लिए एक छोटी कथा सुनाना चाहता हूं, एक छोटी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक परिवार में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र के लातूर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो वहीं लातूर में चुनाव मैदान में 10 उम्मीदवार हैं और 18 अप्रैल को मतदान होना है और कड़ी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच है। तो वहीं मोदी ने कहा कि आपकी तपस्या को बेकार नहीं जाने दूंगा, विकास कर आपका सारा ब्याज लौटाऊंगा। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि जो हुआ उसके लिए आपको ये चौकीदार हमेशा याद आएगा और एक चौकीदार के तौर पर हमेशा इस देश की रखवाली करेगा।
आपको बता दें तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारने की बात कही, ये एक नए भारत की नीति है, तो वहीं आतंक को हराकर ही दम लेंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के लातूर में संकल्प लिया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में नया विश्वास जगाने की बात भी कही है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सामने था वो रखा गया पटल पर कि ये पुरानी सरकार द्वारा जांच की गई, अब जो आने